हेलो दोस्तों, आज एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से आया हूं। और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट इनकम टैक्स की। हम आपसे ये बात करेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको टैक्स पे करने की ज़रूरत है। भाई, हम सब जब भी कुछ पैसा कमाते हैं तो हमको टैक्स पे करना पड़ता है। आखिर किसको किसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल ही ना होता और मैं टैक्स पे करने के लिए परेशान हो जाऊँ। तो बिल्कुल ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कौन कौन ऐसे पर्सन होंगे जिनको टैक्स पे करना होगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हु आर पर्संस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे दिए हैं 7 पर्संस। इन 7 लोगों के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये 7 पर्सन कौन कौन हैं, आइए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल्स की। आखिर ये इंडिविजुअल्स कौन हैं? इंडिविजुअल्स का मतलब होता है जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे कि एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन, जैसे कि एक राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, ये सब एक इंडिविजुअल पर्संस हैं। हर उस इंडिविजुअल पर्सन ने अगर इनकम अर्न की है तो उसको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। याद रखिएगा, हम यहाँ पे केवल इनकम की बात कर रहे हैं। अगर आपने पैसा कमाया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये HUF तो आप सब जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि HUF का मतलब होता है कि जब भी किसी पर्सन की शादी होती है तो वो एक फैमिली क्रिएट हो जाती है। तो वो जो फैमिली है वो बन जाती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू सिस्टम के हिसाब से। तो अगर वो लोग मिलकर के कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, अपनी कोई वर्क रखते हैं, तो फिर उसको हम HUF बोलते हैं। और वो अगर अपनी फैमिली को रजिस्टर कराते हैं अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, तो फिर वो चाहें तो इसको भी एक पर्सन हम कंसिडर करेंगे फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी बात बताऊं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए हैं, उसकी शादी होती है मिसेस ए से, तो मिस्टर ए और मिसेस ए ये दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन हैं। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी से अगर ये कुछ पैसा कमाएंगे तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर एसोसिएशन में एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि अब ये थर्ड पर्सन हो गए, उसमें अगर कुछ पैसा ये कमाएंगे तो उनको उस थर्ड कैटेगरी में भी टैक्स अलग से देना पड़ेगा। और मजेदार बात बताऊं मैं आपको कि इंडिविजुअल कैटेगरी में जो एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है कि अगर आपने एक सर्टेन अमाउंट तक इनकम अर्न की है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वैसे ही इंडिविजुअली मिस्टर ए को अलग से वो एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, मिसेस ए को अलग से वो एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, और HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अलग से वो एक्सेप्शन लिमिट मिलेगी, एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। तो ये 3 बातें हमने आपको बताई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कंपनी। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, चाहे वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो, चाहे विदेश में इनकॉर्पोरेट हुई हो, अगर उसने इंडिया में पैसा कमाया है तो उसको टैक्स इंडिया में ही देना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कैटेगरी की, तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है फर्म। फर्म की बात कर लूँ अगर मैं, तो फर्म क्या होता है? फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। याद रखिएगा, हमने बचपन में पढ़ रखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, लेकिन जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो फर्म का मतलब केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म होता है, और LLP का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो इन दोनों की कैटेगरी में भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा एसोसिएशन है तो उस केस में आप टैक्स पे करोगे। नेक्स्ट आता है AOP एंड BOI, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये क्या चीज़ें हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाम से क्लियर है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में एसोसिएट हो जाएं, जुड़ जाएं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, और उस टास्क में उनको कोई प्रॉफिट अर्न होगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल साथ में जुड़ जाएं किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए और उसमें उनको प्रॉफिट होता है, इनकम जनरेट होती है, तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दोनों के डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो इस बात को बहुत क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं बात करता हूं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की, तो जब दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 पर्सन होते हैं, इन 7 पर्सन में जब कोई भी 2 पर्सन आपस में जुड़ जाए, यानी कि वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, आपस में जुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास लोकल अथॉरिटी। आई एम रियली वेरी सॉरी कि यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे कि जो हमारे सिटी के म्यूनिसिपल अथॉरिटी होती है, ये भी अगर कुछ अर्न करती है, जैसे नगर पालिका या कई सारी सिटीज़ में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है, जैसे हमारे लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाज़ियाबाद में गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो हर जगह की कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है। तो जो ये लोकल लेवल पर काम करती हैं उनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज़, और ये भी अगर कुछ पैसे अर्न करेंगे तो उनको भी अपनी कमाई हुई इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और सातवां और आखिरी हमारे पर्सन होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कौन है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ऐसे लोग होते हैं जैसे कि ट्रस्ट, जैसे कि एनजीओ, ये लोग कंबाइंड होकर के किसी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, किसी अच्छे वर्क के लिए काम करते हैं। तो और इसमें भी अगर ये कुछ पैसा अर्न कर लेते हैं तो फिर उस केस में इनको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैंने क्या डिस्कस किया कि हर वो पर्सन, ये जो सात पर्सन थे, अगर इन सातों में से किसी ने पैसा कमाया है तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।